जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के सेलिब्रिटी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इस बहुत बुरी घटना के लिए है जो घटना एक डेढ़ हफ्ते पहले घटी है। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसका एक रीज़न था कि मैं बहुत बीमार था और इस बीमारी से थोड़ा सा अच्छा होने के बाद मैंने ट्राई किया कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। आज से आपको कंसिस्टेंटली डेली वीडियो मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो टॉपिक है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में हुई घटना, जहाँ पे कुछ आदिवासियों का देहांत हुआ, वहाँ पे रेलवे पटरी में उनकी जान गई है। बहुत सारे लोगों का बहुत अलग तरह से कहना है इस मुद्दे पर। मैं भी इस मुद्दे पर अपनी एक राय देना चाहता हूँ। इस मुद्दे पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कोई तो बोलता है कि वो पटरी पर क्यों सोए थे, गलती उनकी थी। कोई बोलते हैं कि पटरी पर जगह मिली तो ये लोग सो गए, अपना सिरहाना बनाकर पटरी पर सो गए और उन पर से ट्रेन गुजर गई। लेकिन मैं उस मजबूरी को देखना चाहता हूँ, मैं उस मजबूरी को बताना चाहता हूँ कि जो मजदूर ट्रेन की धक धक आवाज़ को भी ना सुने, इतनी गहरी नींद आती है, तब वो कितनी दूर से चलता आया होगा। और जब वो चलते आया होगा तो उसकी बॉडी पूरी थक गई होगी, ट्रेन की धक धक आवाज़ भी उसको सुनाई नहीं दी और ट्रेन गुजर गई और वो अपनी नींद को गहरी नींद में तब्दील कर दिए, तो उनका काम कितना बड़ा होगा। दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि गलती उनकी है तो गवर्नमेंट क्यों उनको मुआवजा दे, गवर्नमेंट क्यों उनके बारे में सोचे, क्योंकि वो गलती तो उनकी थी, क्योंकि ट्रेन अपने पटरी से जा रही थी, ट्रेन वालों की कोई गलती नहीं है। मैं नहीं मानता कि सबकी गलती है यहाँ पे, लेकिन मैं उस सिस्टम को कहना चाहता हूँ कि आपने अगर वो ट्रेन का जो हादसा है वो एक्सीडेंटली क्लियर कर दिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हादसों में बहुत सारे आदिवासी मर गए हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी साहब तो कहते हैं कि बाहर देशों से आने वाले जो विद्यार्थी हैं हमारे, आने ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश के वो रौनक है हमारे देश की, वो आने ही चाहिए। लेकिन मोदी साहब या उनके मंत्रिमंडल जो भी है, आज गवर्नमेंट काम कर रही है, वो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम बाहर देशों से लोगों को ला रहे हैं। उनको बताया जाता है कि आपकी माँ घर में राह देख रही है, एरोप्लेन से लाया जाता है, लेकिन अंडरग्राउंड जो इंडिया के इंडिया में है, कोई बिहार का आदमी दिल्ली में जाके बसा है तो कोई झारखंड का आदमी बम्बई में आके काम कर रहा है। भाइयों, ये काम करना कोई मजाक वाली बात नहीं है या बहुत खुशी से वो लोग नहीं आते, उन लोगों के पीछे अपनी एक स्टोरी है। अगर आप किसी मजदूर, मेरे ज़िले के साइड में से मजदूर जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा, उनको खाना भी दिया हूँ, तो उनसे पूछा हूँ तो सभी को एक बात मेरे ध्यान में आई, किसी का किसी साहूकार की वजह से किसी की ज़मीन गई है, किसी की किसी फैक्ट्री की वजह से ज़मीन गई है, किसी की व्याघ्र प्रकल्प करके जहाँ पे जू घोषित किया जाता है और वहाँ से गांव हटाए जाते हैं, ऐसे कुछ मजदूर थे जिनकी ज़मीनें किसी ना किसी कारण से किसी ना किसी ने हड़प ली है। वो बेघर हो गए हैं, वो भूमिहीन हो गए हैं और उनको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए, उनको ज़मीन तो है नहीं कि वो खेती करें, तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि गाँव में तो 12 महीने उनको रोजी रोटी मिलती नहीं है, तो फिर उनको अपना गाँव छोड़ के कहीं जाना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी फैक्ट्री में लेबर करके काम किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी फैक्ट्री में वहाँ काम के लिए जाते हैं, और फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति में उनको घर की याद आती है, घर चलना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता, पैसा भी रहे तो गाड़ी नहीं रहती। वो निकलते किसी रेल के पटरी के साइड में से, वो जानते हैं कि कौन सा रास्ता कहीं भी जाएगा, लेकिन रेल का पटरी का अगर रास्ता हम पकड़ के चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। औरंगाबाद से ऐसे ही मजदूर निकले थे, वो जानते थे कि यह रास्ता भुसावल तक जाएगा, और भुसावल, वो आते टाइम भुसावल गिरता था तो भुसावल तक जाएगा रास्ता, ऐसा कह के वो निकले थे। चलते चलते बच्चे थे, बूढ़े थे, थक गए और रेल के पटरी को सिरहाने लेके सो गए। उनका एक ही मानना था कि ट्रेन तो अभी शुरू नहीं है तो वो कहाँ से आएगी, और इतनी गहरी नींद थी भूखे पेट कि ट्रेन का धक धक करके आना भी उनको सुनाई नहीं दिया। दोस्तों, मैं ये उनकी बाजू नहीं रख रहा हूँ या मैं किसी अन्य समाज की बाजू नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं इस देश के मीडिया को बताना चाहता हूँ, अगर किसी दो साधुओं की मौत हो जाती है तो बवाल हो जाता है, अगर किसी एक संप्रदाय के इंसान की मौत हो जाती है तो बवाल हो जाता है, धार्मिक युद्ध होता है, मुस्लिम कहता है हिंदू ऐसे, हिंदू कहता है मुस्लिम ऐसे,
लेकिन दोस्तों आपको मालूम है, जो भटक रहे हैं ना फांसे पारदी से आदिवासी तक, जो दलित आदमी है, जो अपने परिवार के रोजी रोटी के लिए जीता है, वो आदमी मर जाए तो किसी को गम नहीं होता, क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू है ही नहीं। आदिवासी इंसान यहाँ का पॉलिटिकल इशू है ही नहीं। और मैं यही बताना तो चाहता हूँ कि मेरे समाज के भाई बहनों को, दोस्तों आपके जान की कीमत ना यहाँ पे है ही नहीं, आपको वो बतानी पड़ेगी, आपको यो इन लोगों को समझाना पड़ेगा कि हम भी है इस देश के मूल निवासी। याद, इस देश पे हम पहले राज कर चुके हैं, 258 रियासतें थी हमारी, और आज हमारी स्थिति ऐसी है कि कई दूर आदिवासी भाई बहन पे हमारे अत्याचार होता है, तो हमारी मीडिया तो नहीं लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। कोई पॉलिटिकल लीडर आवाज़ उठाता है तो वो अपने हिस्से के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने रुतबे के लिए आवाज़ उठाता है, और जब तक उसका रुतबा कायम नहीं हो जाता तब तक वो आवाज़ तो उठाता है लेकिन न्याय नहीं मिलता। मैं फिर भी आपको एक हाईलाइट कर दूं कि जो असम में बात हुई है, 90 आदिवासियों को हटाया गया बॉक्साइट के मामले में, गवर्नमेंट अभी भी चुप है। बालाघाट में एक आदिवासी युवक को मानवीय मूत्र पिला के उसको विभत्स तरीके से टॉर्चर किया गया, गवर्नमेंट खामोश है। ऐसे बहुत सारे किस्से मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे गवर्नमेंट खामोश हो जाती है। कहीं लॉकडाउन में मुंबई से निकले लोग जो चलते चलते रास्ते में मर गए ना, उनमें से अगर आप लिस्ट देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको भटकने वाले आदिवासी मिलेंगे, फिर भी गवर्नमेंट खामोश है। गवर्नमेंट क्यों खामोश है, गवर्नमेंट को क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे ये जो है, ये जो मूल निवासी कंसेप्ट की बात करते हैं, ये जो अपने देश के मालिकाना हक की बात करते हैं, इनके बारे में ना बोला जाए। और गवर्नमेंट इस बात पे बात करती है कि पाकिस्तान कैसे घबरा रहा है, गवर्नमेंट इस बात पे बात करती है कि जातिवाद कैसे उमड़ पड़े। भक्त तो लगे रहते हैं दिन ब दिन व्हाट्सएप ट्विटर पे कि कैसे भड़काया जाए, मुसलमानों के खिलाफ कैसे भड़काया जाए, क्या करें, किया जाए। दोस्तों तकलीफें तो बहुत है, इस जैसे ये इंटरनेट बढ़ा है वैसे कॉम्प्लिकेटेड सीन होता गया है। इन दौरों में, इन धर्मों के, समाजों के झगड़ों में आदिवासियों को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो एक ही काम करना है, आपको पढ़ना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है 4 साल बाद यही वीडियो ऑड लगे, हो सकता है 2 महीने बाद यही वीडियो सुनने में अलग फील हो, लेकिन आज की यह सिचुएशन है। और अगर आप 4 साल 10 साल बाद भी यह वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज की सिचुएशन क्या है, आज गवर्नमेंट आदिवासियों के बारे में कैसे रिएक्ट हो रही है। और यह वीडियो आपको बताते रहेंगे कि आदिवासी कौन से दौर से गुजर रहा है। नोटबंदी में भी आदिवासियों की ज़्यादा से ज़्यादा जाने गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी स्टैचू खड़ा हुआ है, वहाँ पे भी आदिवासियों के ज़मीन के मामलों में गफला हुआ है, वहाँ पे भी उनको मुआवजा नहीं मिला है। और ऐसे बहुत सारे, सरदार सरोवर डैम से लेके बहुत सारे ऐसे डैम हैं जहाँ से आदिवासियों तो हटाए गए लेकिन आदिवासियों को ना ज़मीन मिली ना पैसा मिला, वो दर बदर की आज भी ठोकरें खा रहे हैं। जो भी नवयुवक मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तो मेरा वीडियो सुनने के बाद आपको बौखला के उठना नहीं है, आपको किसी पे बंदूक ताननी नहीं है, आपको किसी पे उंगली उठानी नहीं है, आपको किताब उठाना है, आपको कलम उठानी है। आप लिख सकते हो तो समाज के बारे में लिखना है, पढ़ सकते हो तो समाज के बारे में पढ़ना है, और बता सकते हो, बोल सकते हो तो समाज के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अगर हम ऐसे ही, मेरे जैसे युवा 100 अगर खड़े हो जाते हैं तो 10,000 पब्लिक को खड़े कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि आदिवासी समाज में आज भी क्रांति आ सकती है, सिर्फ सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं सभी वो, इस लॉकडाउन में कोई चलते गया है, कोई रेल पटरी पे जिन्होंने प्राण त्याग दिए है, और कोई भूख से मरा है, सभी आदिवासी भाई बहनों को मैं तहे दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं सभी भाई बहनों को कहता हूँ कि अगर आपके नज़दीक कोई आदिवासी दिक्कत में हो, प्रॉब्लम में हो, प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए, क्योंकि समाज वैसे ही बनता है जब आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, नहीं तो समाज बिखरा ही रह जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।